खरीदी को लेकर सियासीवार पलटवार जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा किसानों से 2500 रुपए क्विंटल की दर पर धान खरीदने को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने राज्य से धान खरीदने से मना कर दिया है। ये भाजपा का असली रूप है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से इस मुद्दे को लेकर 5 सवाल पूछे। कांग्रेस ने सवाल किया है कि 2013 के विधानसभा चुनावों के पूर्व जारी संकल्प पत्र में किसानों का धान 2100 रुपए क्विंटल और 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पूरे 5 वर्षों तक बोनस दिए जाने का वादा किया गया था या नहीं। केंद्र सरकार से इस घोषणा के पहले अनुमति ली गई थी कि नहीं। एक ओर भाजपा की केंद्र सरकार 2500 रुपए में धान खरीदी से राज्य सरकार को रोक रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए में धान खरीदी के लिए आंदोलन कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है।